गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मेरा शहतूत का ट्री है, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसका सीड्स भी मैंने नहीं डाले थे, पता नहीं कोई पक्षी की वजह से ये मेरा शहतूत का पेड़ बना है। और इस पर मैंने काफ़ी 2-3 साल से इस पर फ्रूट आ रहे थे, अभी ये डोरमेंसी में है। अब ये स्प्रिंग में इसकी ग्रोथ होगी। अभी ये सारे अपने लीव्स वगैरह, ये जो पत्ते हैं इसके, सब झड़ेंगे, उसके बाद इसमें ग्रोथ हो रही है। देखिए अभी से ही थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। इस तरह से आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसकी कटिंग कैसे लगा सकते हैं आप। इजी टू ग्रो है ये प्लांट। यह मेरा पौधा ग्राउंड में लगा हुआ है, ये देखिए। इसके फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी मीठे हैं। इसने मुझे, इस पौधे ने साल भर में ही फ्रूट्स दिए थे। कुछ पौधे मैंने कटिंग से भी बनाकर रखे हुए हैं। इसके ये पौधा है मेरा जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। यदि आपको ये इसकी कटिंग लगानी है तो आप इसे कंटेनर में या ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। और इसकी सॉइल की बात करें तो आप इसकी सॉइल को बनाकर भी रख सकते हैं, या आप पॉटिंग मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी हमें इसमें बड्स दिखाई दे रही हैं, ये रही ये वाली। हम इसकी ही ब्रांच ले लेते हैं, एक कटिंग यहाँ से। इधर से ले लेते हैं, देखिए मैंने इस तरह से एक इसकी कटिंग ले ली है। इसको ही ग्रो करेंगे। मेरे पास ये जो कटिंग है, देखिए इसमें कुछ यहाँ बड्स निकल रही हैं इसकी। ये जल्दी से ग्रो हो जाएगा क्योंकि इसमें पहले से ही बड्स निकली हुई हैं। और इधर देखिए, मैं कुछ दिखाती हूँ आपको, ये मेरे इसमें फ्रूट्स भी आ रहे हैं, ये रहे। बट मैं इसको कट कर दूंगी। कट करने के बाद हम इसे अपनी सॉइल में लगाएंगे। कटिंग को ग्रो करने के लिए हम थोड़ा सा एलोवेरा लेंगे। यहाँ से मैंने ले लिया है ये, इस तरह से। ये फ्रेंड्स जो मेरे इसमें फ्रूट्स आए हुए थे, ये मैंने इसको कट कर दिया है। और उसके बाद हमें इसको नीचे से इस तरह से, और हम इसमें फिर एलोवेरा लगा लेंगे। इससे रूट्स जल्दी आएंगी। इस तरह से बस हमें एक होल करना है इसमें। होल करने के बाद इसमें लगा देना है और इसे मिट्टी से कवर कर देना है। थोड़ा सा हम इसमें पॉटरिंग कर देंगे और इसे फिर सेमी सीड एरिया में रख देंगे जहाँ पर हल्की धूप आती हो।